हाय फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस साल एक नया सेक्शन इंसर्ट करा इनकम टैक्स एक्ट में। ये सेक्शन है हमारा 206C सबसेक्शन 1H। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 जो है इसके थ्रू इंसर्ट करा गया है। इस वीडियो में मैंने इस सेक्शन के बारे में बात करी है, जिसमें मैंने समझाया है कि ये सेक्शन जो है ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है एंड इसके अंदर जो टैक्स रेट है वो क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारी बातें समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनेंस बिल है 2020 जो कि मेरा लोकसभा जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इसके हम गए सेक्शन नंबर 206C पे, जिसके अंदर मेरी अमेंडमेंट हुई है। ये आप देखेंगे, ये मेरा अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 206C में। इसके अंदर उन्होंने ये क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेक्शन 1F जो है, सबसेक्शन 1F, इसके बाद ये सबसेक्शंस को इंसर्ट कर दिया जाएगा। एक सबसेक्शन 1G था और नीचे आपका एक सबसेक्शन 1H था। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट ये नोट करें कि यहाँ पर इस सेक्शन के लिए डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कहीं पे भी नहीं लिखी कि ये सेक्शंस जो हैं ये कब से एप्लीकेबल होंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा। तो हम जो है ये मान के चल रहे थे, अभी तक ये इम्प्रेशन चल रहा था कि ये जो सेक्शन से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2020 से। पर फिर बाद में हमारा आया फाइनेंस एक्ट 2020। इस फाइनेंस एक्ट में आप ये देखेंगे इसने क्या बात कही। इसमें हम गए अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 206C पे ही। इसने ये फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया कि इन सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020। कहने का मतलब कि ये जो मेरे सेक्शंस हैं जो कि 206C के अंदर इंसर्ट हुए हैं, ये मेरे एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 2020 से। फाइनेंस बिल के अंदर ये लाइन जो थी ये मिसिंग थी, पर फाइनेंस एक्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो सेक्शन है मेरा सेक्शन सबसेक्शन 1H, ये क्या बात करता है। फ्रेंड्स देखिए, ये सेक्शन बात करता है कि मेरा सेलर जिसने रिसीव करा कोई अमाउंट एज अ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा सेलर है और इधर मेरा बायर है। यहाँ पर मेरे सेलर ने मेरे बायर को गुड्स दिए हैं और ये जो गुड्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रही है आपकी 50 लाख रुपीज। अगर ये 50 लाख से ऊपर है तो होगा क्या। ठीक, तो यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि जब ये पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट, जो मेरा सेलर होगा वो कलेक्ट करेगा मेरे बायर से TCS एट द रेट ऑफ 0.1%। कलेक्ट फ्रॉम द बायर अ सम ऑफ इक्वल टू 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन जो कि एक्सीड कर रही है 50 लाख रुपीज से। अब इसके बाद इन्होंने एक और बात ये कही, इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास बायर का पैन अवेलेबल नहीं है, बायर ने आपको पैन नहीं दिया है या फिर उसने आपको उसने आधार नंबर भी नहीं दिया है, तो जो ये रेट है 0.1% का, इसे आप रीड करोगे एज 1%, तो जो TCS है वो डिडक्ट होगा 1.1% की जगह 1%। जो तीसरा प्रोवाइजो है उसने एक और बात कही, उसने क्या बात कही, इसने ये कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, जो इसके प्रोविजंस हैं ये अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सी सिचुएशन में मेरे ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, अगर मेरा बायर जो है वो लाइबल है डिडक्ट करने के लिए TDS, अगर मेरे बायर को TDS काटना है तो क्या मैं TCS भी काट सकती हूँ, नहीं। वो ये कहते हैं इफ द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द गुड्स परचेज्ड बाय हिम, जो उसने परचेज करे हैं फ्रॉम द सेलर और उसने ये डिडक्ट कर लिया है अमाउंट, तो जो मेरा सेलर है वो TCS नहीं काटेगा। तो अगर मेरा बायर TDS काट लेता है तो मेरा जो सेक्शन है 206C सबसेक्शन 1H ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं कि सेक्शन में बायर कौन है और इस सेक्शन में सेलर कौन है। पहले हम पढ़ते हैं सेलर्स। सेलर्स
कब मेरा हर सेलर जो है उसका टीसीएस कटेगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेलर्स हैं जिसके लिए टीसीएस जो है उसके कटने की बात हो रही है। वो ये कहते हैं कि वो सेलर्स जिनकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या फिर टर्नओवर एक्सीड करती है 10 करोड़ रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब मेरा जो सेलर है अगर उसकी टोटल टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसीट्स जो है, वो 10 करोड़ से ज्यादा थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसे अपना टीसीएस जो है वो डिडक्ट कराना पड़ेगा, और वो टीसीएस डिडक्ट होगा 0.1% से। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्सेप्शंस भी देगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, इन द नोटिफिकेशन जो है वो स्पेसिफाई करेगी कुछ लोगों को जिनके ऊपर ये सेक्शन जो है कुछ कंडीशंस के साथ ही लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आता है बायर। बायर जो है वो कौन है? ये सेक्शन कहता है कि बायर वो सारे लोग होंगे जो कि परचेज करेंगे गुड्स। कहने का मतलब कि सर्विसेज के जो बायर्स होंगे क्या उन्हें भी टीसीएस काटना होगा? नहीं, सर्विसेज पे ये बात नहीं लगती। बायर सिर्फ जो कि परचेज कर रहे हैं गुड्स उन्हें टीसीएस काटना होगा, पर उन्हें टीसीएस कब नहीं काटना होगा ये बात समझे। टीसीएस नहीं कटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बायर है तो उसे नहीं काटना, कोई लोकल अथॉरिटी है तो उसे नहीं काटना। अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स इंडिया के अंदर, या फिर कोई और पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बता देती है नोटिफिकेशन से, तो उन्हें टीसीएस जो है वो नहीं काटना होगा। बायर मेरा टीसीएस तभी काटेगा अगर उसने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में परचेज करे गुड्स जिनकी वैल्यू जो थी वो 50 लाख से ज्यादा थी, तभी वो टीसीएस काटेगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऊपर ही नोट करवा दिया था कि अगर मेरा बायर टीडीएस भी काट रहा है तो उस जो मेरा सेलर होगा उसका टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, जो कि गवर्नमेंट ने बता दिया है कि 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल होगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से कंसिडर करिएगा ताकि कोई भी डिफॉल्ट जो है वो ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।